अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास की हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कीवर्ड, यानी कि हमारे पास कीवर्ड क्या होता है। मैंने आपको 10th क्लास के फर्स्ट सेशंस के अंदर भी बताया था कि 10th क्लास के अंदर क्या है, सी लैंग्वेज है। क्या है? सी लैंग्वेज। तो बेसिकली जो सी लैंग्वेज के टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन क्या है कि मैंने यहां पर क्या है कि आपको सारे कंसेप्ट नहीं देने, मैंने क्या है कि आपको कुछ चीजें यानी कि क्या है कि मोटे मोटे कंसेप्ट देने हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका बिगिनर लेवल है, बेसिक लेवल है। तो बेसिक लेवल क्या है कि 10th क्लास में अगर आप इतना कुछ लिख देंगे तो ये 2 मार्क्स के लिए इनफ है, राइट। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, जो एक लॉक ताले में बंद होते हैं। यानी कि अगर आप यहां पर देखें क्या है कीवर्ड, पहला हमारे पास क्या है की, ये क्या है की, की का मतलब क्या होता है, चाबी। और वर्ड का मतलब क्या होता है, अल्फाज। ये उनको क्या है, एक चाबी दी गई है। जब आप चाबी लगाएंगे तो फिर क्या है कि आप लोग उनके मीनिंग पर्पस को जान सकेंगे। ऐसे अल्फाज जो क्या है कि लाख नुमा ताले में बंद है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, की वर्ड बोलते हैं। यानी कि की वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग और पर्पस क्या है हमारी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन होता है, पहले से बयान होता है, पहले से तयशुदा होता है। यानी कि हम लोग क्या है कि उनके मीनिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। उनका जो मकसद है, उनकी जो काम करने की नियत है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है कि लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन होती है। ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। क्या बोलते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। यानी कि जो हमारे पास कीवर्ड का दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कीवर्ड, और कौन से सेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास 10th क्लास है, 10th क्लास में क्या है, सी लैंग्वेज। क्या है, सी लैंग्वेज। तो बेसिकली अब हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज। यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज। क्या है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज है। पहले हमारे पास क्या थी, बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज से बाद आप हमारे पास क्या आ गई, सी लैंग्वेज। सी लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्या होती है, इंसानों के करीब होती है। यानी क्या है कि जिसको इंसान समझ सकते हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की ही एक टाइप है जिसको क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको क्या है कि हम इंसान डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको सी लैंग्वेज के बारे में काफी हद तक पता चल गया होगा। इन सी लैंग्वेज देयर हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ये क्या है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड हम किसको बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले से तयशुदा। यानी कि क्या है, जो पहले से तयशुदा हो, या क्या है कि जो पहले से बयान किया हुआ हो, ऐसे वर्ड को, ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। यानी कि जिनका मतलब और मकसद हमारी लैंग्वेज पहले से जानती हो, हमें ना पता हो लेकिन हमारी लैंग्वेज जानती हो, ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। जो ये कीवर्ड होते हैं, जो इनका मीनिंग और पर्पस होता है, ये जिस पर्सन ने, यानी कि जो लैंग्वेज का डेवलपर होता है, उसने क्या होता है कि इसका मकसद पहले से डिफाइन किया हुआ होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं, जो पर्सन, जो यूजर क्या है कि जो प्रोग्रामर क्या है सी लैंग्वेज को बना रहा होता है, तो उसने क्या है कि इनके मीनिंग और पर्पस को सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ होता है।
ये क्या है डेवलपर। डेवलपर क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने वाला, यानी कि जिस पर्सन ने सी लैंग्वेज को बनाया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपर। इसी तरह एक ऐसा पर्सन जो क्या है प्रोग्राम को लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। तो इसी तरह जिस पर्सन ने क्या है कि सी लैंग्वेज को डेवलपर किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपर। सी लैंग्वेज को किसने डेवलपर किया था, डेनिस रिची ने। क्या, डेनिस रिची ने। अगर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे देखें, ये जो हमारे पास क्या है, डेनिस रिची, ये क्या है, जिसने सी लैंग्वेज को 1972 के अंदर डेवलपड किया था। यानी कि कीवर्ड का जो मीनिंग और पर्पस है वो क्या है, डेनिस रिची ने हमारी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अगर एक दफा क्या है, इट कैन नॉट बी चेंज ऑफ बाय द यूजर। इसका मतलब क्या है कि जो यूजर है, यानी कि क्या है कि जो सी लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्राम वगैरह लिख रहा है वो क्या है कि कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड को जो चेंज करने की एक्सेसिबिलिटी है ये किसके पास है, डेनिस रिची के पास है। यानी कि जिसने क्या है कि सी लैंग्वेज को डेवलपड किया था वो क्या है कि कीवर्ड को चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या है, जो क्या है कि सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो क्या कि सी लैंग्वेज के वर्ड को चेंज, मतलब कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर। ठीक है, कीवर्ड आर रिटन इन अ लोअर केस। हां, यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, लोअर केस। लोअर केस से मतलब क्या होती है, स्मॉल केस के अंदर जो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, यानी कि ए से लेकर जी तक, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल, यानी कि छोटी एबीसी। कीवर्ड हमारे पास जब भी आएंगे ये क्या होगा, ये छोटी एबीसी के अंदर लिखे जाएंगे, यानी कि ये क्या है, स्मॉल केसेस के अंदर लिखे जाते हैं। कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिजर्वर्ड। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो हमारे पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वर्ड। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। ओके, यानी कि ये जो सवाल है एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आता है, द टोटल नंबर ऑफ द कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कीवर्ड होते हैं, तो वो टोटल कितने होते हैं, 32। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको कीवर्ड के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कहीं से आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं है, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। अभी तक आपका बिगिनर लेवल था, आपका बेसिक लेवल था, क्योंकि हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में इतना कीवर्ड के बारे में जानकारी लेना इनफ है। अगर आप इसके बारे में एडवांस नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।